हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभदीप दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट विद सुभदीप। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पहली बार वाटर कलर करना शुरू किया है। देखिए, पहले वाटर कलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाटर कलर का बेसिक टिप्स मतलब उसका रूल्स है, आपको लाइट से डीप में आना है। मतलब पहले आपको लाइट पर कलर करना है, उसके बाद डीप। और दूसरा बात है कि वाटर कलर पूरा एटमोस्फियर पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट करके बनाया जाता है। मतलब दूर का चीज़ लाइट दिखेगा, पास का चीज़ आपको डार्क दिखेगा। वाटर कलर अच्छा करने के लिए आपको सिर्फ फोटो देख के काम करना होगा ऐसा नहीं है, आपको बाहर जाके आउटडोर करना होगा। आप जितने आउटडोर करोगे, मतलब नेचर में जाओगे, नेचर को फील करोगे, उसके बाद देख के पेंटिंग बनाओगे, तो आप उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप फोटो में डायरेक्ट बनाने जाओगे तो आपको सीखने में कुछ नहीं मिलेगा। आपको पहले बता दूं कि मैं जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ ये बाप कार्डिज है। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो। बाप कार्डिज आपको मोटा लेना है, क्योंकि अगर आप पानी के साथ काम करोगे तो अगर पेपर पतला लिया तो फूल जाता है, तो आप मोटा ही लो। तो दोस्तों, आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा वाटर कलर के बारे में। तो पहले तो आपको बता दिया था कि वाटर कलर का रूल्स है, आपको लाइट से डीप तक करना है। मतलब आपको लाइट को कलर पहले कलर करना होता है, उसके बाद आपको डीप में आना होता है। तो पहले आज मैं वही पेंटिंग बनाऊंगा जो आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने दूर को थोड़ा सा लाइट किया और पास को बहुत डिटेल दिया, हाईलाइट किया, डार्क दिया। तो पहले मैं लाइट से शुरू करूँगा, मतलब दूर के चीज़ों से। तो देखिए, वाटर कलर आप पूरा पेपर को एक साथ भिगा के बाद थोड़ा थोड़ा करके काम कर सकते हो। जिस जगह को मुझे कलर करना है वही जगह मैं भिगाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे कलर करूँगा। तो अभी तो मैं इस साइड को पूरा कलर करूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़े साइज ब्रश लेके इसको अच्छे से भिगा दूँगा। दूर के जो आसमान दिख रहा है आपको, उसको पहले कलर करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे पास में आऊँगा। आसमान तो थोड़ा सा बहुत दूर है, तो हाईलाइट करने के लिए मैं वाइट रख सकता हूँ, अभी रख सकता हूँ, तो मैं वाइट नहीं रखूँगा। थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा करके मैं ब्लू, वाइट के साथ थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके थोड़ा सा टोन बनाऊँगा जो वाइट को थोड़ा सा मैट कर देगा। मतलब वाइट कलर का वो टेक्स्चर चला जाएगा, थोड़ा सा ब्लूइश आ जाएगा। अब इसके ऊपर देखो ज़्यादा फैल रहा है, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा पानी है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, पानी थोड़ा सा सूख ले पेपर, उसके बाद आपको काम करना है। ये फास्ट टोन हो गया, उसके बाद मैं इसको डिटेल दूंगा। डिटेल देने के लिए पहले मैं दूर से ही शुरू करूंगा। तो मैं जो क्रीम घास दिख रहा है उसको कलर करने के लिए मैं थोड़ा सा ग्रीन लेके उसके ऊपर लूँगा। ये फर्स्ट टोन है, आपका ध्यान रखना है, ये अभी तक सेकेंड टोन में आया नहीं, ये फर्स्ट टोन ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आप डीप कलर यूज मत करो, आप लाइट ही करो, उसके बाद धीरे धीरे डीप में लेना। तो ये हो गया इस साइड भी। अब इस साइड थोड़ा सा सूख गया है, तो इसको थोड़ा डिटेल देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप कलर यूज़ करूँगा, डीप ग्रीन, डीप वायलेट। तो दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा सूखने के बाद थोड़ा लाइट हो गया,
इसका कलर पेपर सोख लिया। इसके ऊपर आपको थोड़ा और डिटेल करने के बाद ये कलर पूरा मतलब पेंटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा।